आपको हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो आपको बताएंगे आज अभी हम कहाँ जा रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों लली भाई, मज़ा आएगा इस वाले ब्लॉग में भी भाई, फुल मज़ा आएगा, तो आपको दिखाते हैं। गाइस अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो हमने खाने पीने के लिए सामान वान भी, तो गाइस अभी हम रुके हुए थे घर पे, मम्मी ने पैक कर दिया था खाना, तो थोड़ा बढ़ता तो हम सोच रहे थे थोड़ा बढ़ता बहुत बढ़िया टेस्टी बना, बहुत ज्यादा स्वाद बना, बहुत बढ़िया। हाँ आप गाइस देख सकते हैं हमारे साथ सुमित भाई आए हैं, बाद में बताएंगे, तो बहुत बढ़िया बढ़ता बना, तो गाइस मजा ही आ गया। तो अभी रोटी वोटी खा रहे फिर जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे भी आगे हम कहाँ पे रुकते हैं, फिर आपको उनसे भी मिलवाएंगे जहाँ पे रुकेंगे। तो गाइस अभी चलते हैं, सब भाई मिल चुके पवन भाई, तो पवन भाई क्या हाल है, सब बढ़िया भाई? बहुत मुश्किल से हम ये मिले हैं बंदे, हाँ तो बड़ी मुश्किल ढूंढने से, तो बाकी अब रात के एक बज चुका है, भाई मिलने आए हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू पवन भाई। तो हम चल रहे हैं, तो गाई सब ने सोचा था पहले हरिद्वार रुक जाते, ऊपर टाइम हो गया 2:20 हो गए, करने के लिए मन किया था, तो इसलिए पहले हमने हरिद्वार आना था वापसी में, लेकिन अभी हमने सोचा की पहले हरिद्वार रुक के अपना हर हर गंगे करके आराम से उसके बाद निकलेंगे, फिर सुबह डुबकी उबकी मारेंगे फिर निकलेंगे। अभी थोड़ी आंखों में नींद भी हो रही है, तो हमने थोड़ा सो भी जाते, ललित भाई की भी नींद हो रही है, हमने थोड़ा पहले चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय की दुकान पे चाय वाय पी के फिर अपना होटल वोटल लेके वहाँ पे सोएंगे, फिर चलते हैं। फिर भाई ललित भाई को ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, जैकेट डालने भूल के। ललित भाई कैसी लग रही है ठंड, लग रहा है ना मजा? दिल्ली से ज्यादा ठंड है ना हरिद्वार में भाई? भाई बहुत ज्यादा ठंड है दिल्ली में, आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी मैं तो फुल बाजू की शर्ट पहने आया था, तो अभी चलते हैं, फिर अभी देखते हैं नहाते हैं कि नहीं नहाते। रात को सुन जाए कह रहे सुबह 4 बजे आरती वारती देख लेंगे, क्या नहा लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, बाकी देखते हैं उनकी हालत देख के लगने का, वैसे गंगा स्नान होगा, स्नान करेंगे भाई, अभी स्नान करने आए हैं इसलिए तो रोका हमने, मेन बात यही थी हम स्नान करेंगे, अभी स्नान करके फिर निकलेंगे। तो भाई अभी स्नान, तो आप पूरा ब्लॉग देखे यार, आपको पूरा मजा आएगा, फुल इन्जॉयमेंट होगा। तो भाई भैया चाय बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाएंगे भैया, कुल्लड़ में चाय देंगे। भैया पूरे टाइम खुली रहती है आपकी दुकान, 24 घंटे खुली रहती है आपकी? तो यार भैया की चाय देखो बढ़िया बनाते हैं, हम पहले भी आए थे ना पार्किंग में, तो यहीं पे हमने चाय पी थी, तो थोड़ा याद था इसलिए हमने इसी पार्किंग में लगाई है गाड़ी अपनी। सब चाय पीते, चाय भैया ने ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई, मज़ा आ गया। ललित भाई कैसी बनी चाय? बहुत मस्त भाई, बहुत बढ़िया बनी हुई है। ललित भाई उस वाले हाथ में क्या आपकी पन्नी है क्या? साइड में रख दो, समोसा है। अच्छा समोसा है क्या? तो गाइस ललित भाई समोसा भी खा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं अभी उनके हाथ में। अब हम आ चुके हैं हल्की पौड़ी, कितना बढ़िया नज़ारा है यार, सुबह का टाइम ना अलग ही ठंडा ठंडा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा लग रहा है सुमित भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, तब भी यार गंगा मैया में पानी नहीं है, मतलब ना बिल्कुल सूखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, तब भी सुबह का नज़ारा बहुत प्यारा है। बाकी मैं आपको दिखा ही दिखा दूँ हल्की पौड़ी का कैसे नज़ारा हो रहा है, मतलब पानी है नहीं बिल्कुल भी ना। गाइस आप देख सकते हैं गंगा मैया बिल्कुल सूखी हुई है, कोई है ही नहीं, मतलब जल वल आप देख सकते हैं, मतलब ना हल्की पौड़ी कैसी हो रही है इस टाइम, कुछ है ही नहीं, डुबकी तो लगा नहीं पाएंगे, पानी कम है थोड़ा गंगा मैया का, तो हमने थोड़ा ऐसी आंखों में पानी वानी डाल लेते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ गाइस पानी तो है भी नहीं। सुमित भाई कह रहे थे नहाना स्नान नहीं करते, मुझे आ गया अगर थोड़ा पानी और होता हम डुबकी जरूर लगाते, जरूर लगाते गाइस, पानी बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो गाइस ऐसे छींटे वीटे डाल लेते आंखों में, तो फिर चलते अपना। सकते कितना प्यारा लग रहा है हरिद्वार का, बस ये है गंगा मैया में पानी नहीं है, और आप टाइम भी देख सकते हैं गाइस कितना हो रहा है, 3 बजने वाले हैं। और ललित भाई कैसा लगा, ठंडा पानी है बिल्कुल? बहुत ठंडा पानी है, ठंड तो वैसे भी आपको लग ही रही थी, जैकेट थी नहीं, वाइट हो गया, वाइट यार बहुत बढ़िया। वीर जी भी आगे कैसा लगा, बढ़िया? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर पानी की थोड़ी कमी थी, बस पानी होता ज्यादा मजा ही आ जाता, फुल डुबकी लगाई। जय हो गंगा मैया की। चलते हैं, तो फिर हम सोच रहे आगे जाने का प्लान बना रहे, यहाँ पे रुकने का प्लान नहीं बना रहे हमने, यहाँ पे क्या रुकेंगे, रुकते तो हमने पहले यार मैगी वैगी खा लेते, भैया की दुकान सुबह सुबह खुली हुई दिख गई थी, तो वेज मैगी बनाते, देखते भैया कैसी मैगी बनाते, दिल्ली वालों को कुछ कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे दिल्ली।
अब देखते दिल्ली वाले खुश होंगे कि नहीं भैया की मैगी से। तो गाइस ये चोटी वाला अपना रेस्टोरेंट है, चोटी वाले के सामने भैया की दुकान है, तो यहाँ पे मैगी वैगी पूरी निकलना है ना भाई। देखो मेरा मन तो पूरा है, बाकी देखो बाकी भाई है, इनसे नहीं चलेगा। तो गाइस पूरा फुल एंजॉयमेंट लेंगे, हमारे पूरा दिन है, पूरा दिन है हमारे को, पूरा दिन है हमारे पे, हमारे पे तो रात है, अभी तो रात बाकी है। वहाँ पे आपको निकलने का मन? हाँ सुन भाई, आप क्या कहते हैं, मतलब मंसूरी मंसूरी राफ्टिंग सीधा? तो मैगी बनने वाली है, पानी गर्म हो रहा है, ये अंकल जी ने डाले प्याज, तो अब देखते, ये अंकल जी ने भी डाले अब टमाटर, बहुत बढ़िया। दिल्ली वाले खुश हो जाएंगे भैया हैं, अरे बहुत बढ़िया। गाइस मैगी आ चुकी है, अब देखते हैं मैगी कैसी बनी है, फिर आपको बताते हैं, सबसे एक एक करके पूछेंगे मैगी कैसी बनी है। अब चाय आ गई है तो चाय पीते हैं। भाई मैगी कैसे बनी थी भाई? बहुत स्वाद बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी ना, बढ़िया भैया के पास जरूर आना। तो गाइस यहाँ पे ना छोटी ये अपना ये है चोटी वाला, तो उसके सामने भैया, हाँ बिल्कुल सामने ही है भैया मैगी बनाते हैं, रात को 2 बजे के बाद लगती है, सुबह 7 बजे तक भैया लगाते हैं दुकान। तो गाइस यहाँ पे आए, बहुत बढ़िया मैगी बनाते हैं, तो चाय भी अच्छी बनाई है, तो आप देख सकते रात का नज़ारा ही कितना अलग है। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, गाड़ी चल रही है अपना, देख सकते हो गाड़ी 80 की स्पीड। तो गाइस सुमित भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो 80 की स्पीड पे गाड़ी है, तो सुमित भाई बढ़िया जो गाड़ी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे को, देखते हैं हम सोच रहे हैं शेर वेर मिल जाए यहाँ पे, कोई हिरन विरन मिल जाए, तो अभी तक तो मिला नहीं गाइस, तो तब भी अपना नज़ारा गाना वाना चला के बहुत बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो आप भाई बहुत मौसम ना इतना बढ़िया बना हुआ है ना यार, अब वादियों का अलग ही नज़ारा है, रात का यार अल्टीमेट नज़ारा है, आप देख सकते हैं यार पूरी ना पेड़ पौधे इतने मजेदार हो रहे हैं ना, एंजॉयमेंट इतना बढ़िया हो रहा है ना, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कोरा वोरा भी हो रहा है थोड़ा, देखो आप दूर वो हो रहा है थोड़ा, उस समय मजा आ रहा है ना, अरे अल्टी बहुत मजा, बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है यार, ललित भाई को ठंड भी लग रही है यार। गाइस मैं कह रहा हूँ इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे भी, अल्टीमेट मजा आ रहा है। गाइस अभी चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कहाँ पे जाके रुकते हैं, थोड़ी एक्टिविटीज करते हैं, तो बाकी आपको बताते हैं। तो आप देख भी सकते हैं मतलब इतना सन्नाटा है गाइस, मतलब कोई भी नहीं है, मतलब हम हैं, ऐसा लग रहा है मतलब जंगलों में हम ही रहते हैं। ये